नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राम पंचायत खेवसर के पूर्वा रघुवर नगर में गरीब विधवा महिला की जमीन हड़पने की नियत। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां विकास खंड बौसडी अंतर्गत ग्राम पंचायत खेवसर के पूर्वा रघुवर नगर में सिविल न्यायालय के अवहेलना करते हुए जबरदस्ती विधवा की जमीन कब्जा करना चाहते हैं। गाँव के ही कुछ लोग हैं जो जबरिया उसकी जमीन से नाली निकालकर कब्जा पर उतारू है, जबकि नाली के लिए विधवा के मकान से पश्चिम जोड़ी खड़ंजा युक्त रास्ता है। ग्राम प्रधान भी इस योजना में साजिश है, उनका भी नाम बताया जाता है। विमला देवी एफ शिमला देवी विधवा विद्यानंद गोंद की बहन है। कई बार विधवा के ऊपर हमला भी हो चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिला। आज मीडिया कर्मी से रूबरू होते हुए विद्यानंद गोंद या उनकी बहन विधवा शिमला देवी व विमला देवी बिल्कुल असहाय महिला घर में अकेली रहती है। आए दिन लोग उनके साथ अभद्रता करते हैं। भाई और बहन ने न्याय की गुहार लगाई है। मुझे नया चाहिए, मेरी जमीन कोई हड़पे नहीं, सिविल न्यायालय का पालन हो। आइए सुनते हैं विद्यानंद गोंड की जुबानी एवं उनके विधवा बहन की जुबानी एवं समाज सेवी हरिंदर सिंह की जुबानी क्या कह रहे हैं। मेरा नाम सर विद्यानंद साहब, ग्राम रघुवर नगर, पोस्ट खेवसर, तहसील थाना बांसडी का मैं रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या है सर, नाली का लेकर हमारा व्यक्तिगत जमीन है, न्यायालय से हम जमीन जीते हैं और हमारा बपौती जमीन है, सब नंबरवार जमीन है। यहाँ गुप्ता परिवार जो है और मल्टू सिंह है, ये लोग जबरदस्ती हमारे नाली में कनेक्ट चाह रहे हैं, पानी निकालना चाह रहे हैं, जो कि पीछे से सब जगह से रास्ता निकालने का नहीं निकाल रहे हैं। हमारे नाली में जो जबरदस्ती आए दिन कर रहे हैं, झमेलाम से मारपीट कर रहे हैं। सर, आपकी जमीन को कब्जा लोग करना चाहते हैं। हाँ सर, किस न्यायालय से आदेश है आपके पक्ष में? पश्चिमी न्यायालय से। अच्छा, दीवानी से। जब आपके पक्ष में कब्जा आदेश है, इसके बावजूद भी लोग कब्जा करना चाहते हैं? जोर जबरदस्ती कर कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत कहीं आप किए हैं? एसडीएम, डीएम, एसपी, थाना, सब जगह किए हैं। फिर क्या आपको वहाँ से कोई निर्णय हमको नहीं मिला? क्या न्यायालय के आदेश का भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं, कोई नहीं बोला। थाना में भी बोल रहे हैं कि हमारा कागज देख लीजिए, उनका कागज देख लीजिए, जिनका है उनको दे दीजिए, तभी बोल रहे कि कागज देखना हमारा काम नहीं है। अच्छा, आपके कागज थाने के लोग दिखना नहीं चाहते? नहीं, दिखना नहीं चाहते, कहते हैं कि कागज में कुछ भी नहीं है। कागज को भी कहते हैं कि कुछ नहीं है? नहीं सर, न्यायालय के आदेश, कागज थोड़ा दिखाइए। तो ये न्यायालय का आदेश है? आप दिखाइए कागज, न्यायालय का आदेश है। आप क्या कहना चाहती है? हम चाहते हैं कि मेरा न्याय मिले सर, न्याय मिले हम लोग का, हमारा जमीन वापस आए, हमारा जो नाली पीछे से जगह में निकाला जाए उसको, हमारे जमीन में जबरदस्ती वाला कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारा जमीन को हड़पना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शिमला देवी नाम है। शिमला देवी जी, तो आपसे झगड़ा तकरार भी लोग करते हैं क्या? झगड़ा घर में से खींच करके हमको मारे हैं सर, सात जने मिल करके मारे हैं। फिर थाना के पास गए तो वो लोग बोले निकलेंगे, तो बोले नहीं, नहीं साथ नहीं मारे हम, उसका जी माने चार मिनट लिखवा के जब लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे तुम्हारा, और जब चार मिनट लिखे वो लोग और सात मिनट नहीं लिखे। अच्छा, सात लोग मारे थे? हाँ, सात लोग मारे थे मेरे को। ये घटना कब का है? छः तारीख। कब का है? छह महीने छह मई को आपके साथ घटना हुई है? छह अप्रैल को आप लोग मारे थे? आठ अप्रैल को मेडिकल हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते सर हमको न्याय मिल जाए, हमारा जमीन में कोई खुदपाती कोई लोग ना करे, ना इधर कोई रास्ता है ना कुछ है, जबरन लोग चाह रहे कि इसमें पानी नाली निकाला जाए। हमारे पीछे से जगह है, उनका घर के बगल में पानी गिर रहा है, अपना हमारा जमीन उन लोग का नियत है कि इनका जमीन हड़प ले बस, और कोई नियत नहीं होगा सर। और हम अकेला रहते हैं, हम कलकत्ता रहते हैं सर, बहन हमारा अकेला रहती है, हमारा बीवी बच्चे सब कलकत्ते रहते हैं, हम लोग रहते हैं सर, अरे मनमाना काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, आप यहाँ रहती हैं इस मकान को देखते हैं? अकेले हम रहते हैं सर, ये बोलते हैं लेकिन नहीं, नाली को नहीं देते, उनको मारे हैं, पीछे के गाड़ी को देते हैं, गंदा गंदा आते हैं, हमारे को परेशान करते हैं वो लोग। पारस गुप्ता है, गणेश गुप्ता है, सुरेश गुप्ता है, मंटू सिंह है, सब कोई मेरे को मिल करके मेरे को मारने पीटने कांती लाल है, सब धमकी दे रहे हैं मेरे को। आप कुछ कह रही हैं, आप अपना बताइए। आप तो उस दिन नहीं थे, लेकिन हमारा नाम ये लोग थाने में दे दिए। क्या मारपीट में? नहीं, ये जमीन का मामला क्या है? जमीन का मामला है कि वो लोग जबरदस्ती मोदी बहवाने का सोच रहे हैं। अच्छा, आपकी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? विमला देवी नाम है। थैंक यू, और कुछ कहना चाहते हैं? मिले सर, मेरे को, हम लोग गरीब आदमी है, मेरे को न्याय मिले। प्रधान को हम लोग कोर्ट द्वारा नोटिस भी दिए हैं, तभी जबरदस्ती प्रधान कर रहे हैं। नोटिस दिया दीवानी से उनको कि कोई नया कार्यक्रम ना करें यहाँ कोई काम, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, बोले कि ऐसा दीवानी कितना हम देखे हैं, ऐसे कह रहे हैं। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का अवध कुमार गिरी है, वो गंदा गंदा सब गाली उड़ी हम लोग देते हैं, दराजा पर बैठ कर मारने पीटने की धमकी भी देते हैं प्रधान, कोई समझौता यहाँ नहीं करते हैं, ये बैठ के समझौता कर रहे हैं।
और ना हमारा कोई कागज देते हैं ना कुछ देते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्री हरिंदर सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री बब्बन सिंह, ग्राम पोस्ट कैंसर, तहसील माजी, जिला बलिया। क्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं या कोई और काम करते हैं? सबका सेवा करता हूँ। समाज सेवा का काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एक चीज है सिंह साहब, एक आपके गांव शोभा में एक रघुवरपुर एक टोला है, रघुवर नगर मौजा खेसरे में, रघुवर नगर खेसरे का मौजा है, वहाँ कुछ गरीब परिवार के लोग रहते हैं। जहाँ मैं आज वहाँ मौके का निरीक्षण किया, वहाँ देखा कि इनकी जमीन कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, क्या सत्य है इनके बारे में आप कुछ कहेंगे? ऐसा है कि कोई कब्जा करना नहीं, वहाँ प्रधान अपनी गुंडे चला रहा है, और प्रधान की व्यवस्था के कारण वहाँ की सारी व्यवस्थाएं कमी है। हमारे मकान के शहर के सामने आप जबरदस्ती नंदाली निकलवा सकते हैं प्रधान, और इसीलिए मैं उन पर शुरू से खार में हूँ, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरे मकान के अंदर उसकी साइड से है, जमीन नहीं ले जाएंगे वो, मेरे बीच मकान के शहर से उस गरीब आदमी को उस नाली निकालेंगे। मैंने अपने यूज के लिए अपना प्रश्नगत नाली बनवाया, तो करें ग्राम सभा की संपत्ति से बना हुआ। अच्छा, इनकी विद्यानंद साहू का जो है गुंड, क्या विद्यानंद गुंड के नाम, क्या नाम साह है या गुंडे? अच्छा, तो इनकी अपनी निजी नाली है जी, उस नाली में लोग जबरदस्ती जबरदस्ती। अच्छा, एक चीज और बात सामने आ रही है सिंह साहब, वहाँ कोई मामला न्यायालय में भी विचाराधीन था? मैंने दाखिल कर दिया है, इसमें पहले था। किस कोर्ट में? वही मुंसफ कोर्ट में। अच्छा, क्या है उसमें आदेश? आदेश इनके पक्ष में, क्योंकि वो दावा विद्यानंद के पक्ष में, जो विपक्षी दाखिल किया, विपक्षी का दावा खारिज हो गया, आदम परमी में खारिज हो गया, तो ऑलरेडी आदम उनका माना, अब इनका दावा मान लिया गया, माना जाएगा। हाँ, ये तो इनके पक्ष हो गया, पक्ष हो गया। तो अब बताइए, अब जब प्रधान जब कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, तो उस पर कोई प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रहा है कि नहीं? मैंने प्रधान के खिलाफ सारी बातें रखी वकील साहब के यहाँ, उन्होंने मेरे इन्फॉर्मेशन मैंने मुझे बताया कि आपको इनके विरुद्ध 60 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा, नहीं तो जिस न्यायालय से आप दाखिल करना चाहते हैं बिना नोटिस के इनका दावा खारिज हो जाएगा। मैंने प्रधान के विरुद्ध वकील से मिल करके परामर्श लेकर के उसने हमने दाखिल कर दिया, उनको नोटिस भी सब करा दिया, ऑनलाइन व्यवस्था भी, उसकी रसीद भी इनको मिल चुकी है। इसके बाद भी प्रधान वहाँ अन्य लोगों की मिली भगत आड़ोआड़, जब प्रशासन को हमने कोई चिट्ठी दिया या प्रार्थना पत्र दिया तो उन पर उनको रुकना चाहिए। मैंने कोर्ट से के आदेश का अवहेलना करने के एवज में प्रधान के ऊपर नोटिस जारी हो गया जी, तो अब इनकी मदद कैसे, वहाँ इनकी जमीन कैसे बचाया जाएगा? जमीन तो ऑलरेडी कोर्ट के आधार पर बचा, प्रशासन नहीं मदद इनकी हेल्प कर रही है, प्रशासन नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तो क्या कहेंगे प्रशासन के बारे में? प्रशासन के विषय में मैं क्या कहूँ या वो क्या कहूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर मुझे दवाई ना दे, दवा नहीं देंगे तो या तो मर्ज मरेगा मरीज आपका, और नहीं तो फिर न्यायालय में देखना पड़ेगा। तो न्यायालय के जो आदेश है उस पर आपको भरोसा है कि इस गरीब की न्याय मिलेगा? आने वाले समय में क्या होगा वो तो कोर्ट के ऊपर निर्भर कर रहा है। आज तो प्रशासन की व्यवस्था में पुलिस बल के साथ उसको रुकवा देना चाहिए, लेकिन प्रशासन जिस डॉक्टर के जाए वो दवा ही न दे। एक अंतिम सवाल है सिंह साहब, उस परिवार में एक महिला विधवा है जी, हाँ, विद्यानंद गोंड के एक बहन जो विधवा हो गई जी, जी, जिनके कोई बच्चे नहीं है, काफी वो रोग लीला रही थी, अपने पीड़ा व्याख्या कर रही थी और घर में अकेले रहती है, वो कह रही थी कि मुझे लोग काफी परेशान करना चाहते हैं, क्या सत्यता है ये? सत्य है, 100% सत्य है, उसमें कोई गलत नहीं। कभी उसको उसके बचाव के पक्ष में आप गए हैं कि नहीं मौके पर? बिल्कुल मैं गया हूँ, इसी के साथ मैं गया हूँ, मैं केतकी सिंह विधायक के पास गया हूँ, और वहीं प्रधान गाली दे रहा है। मैं जिस डॉक्टर के पास गया विश्राम भाई के सामने, हमने कहा कि भाई किस तरह से, मैंने कहा कि आप साइलेंट हो जाइए आज, क्योंकि वोट प्रधान ने ही आपको नहीं दिया है, सारे लोगों ने दिया है, सारी जनता ने दी है, और थोड़ा विधायिका के सामने ही प्रधान गाली दे रहा था विश्राम सिंह के साथ। अच्छा, पत्नी है उनके, विधायक प्रतिनिधि के सामने दे रहा है फोन पर। अच्छा, हाँ जी, स्पष्ट शब्द में मैं हूँ, हमने कहा कि बाबू सर भाई पड़ता रहे हमारा गया वोट दर बनी रोज चुप्पी लगा जो अचानक कह के चल गए हम निपट गए अटैया से गरीब के साथ है दया के साथ है बिल्कुल। थैंक यू बाबू साहब।
सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।